प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गार्डन द्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा सातवीं पाठ पांच दांत है तो जहान है, दांत है तो जहान है, जिसके लेखक श्रीनिवास वत्सजी है। मैं इस पाठ का सारांश आपको समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर निवास जी ने शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन किया है। हमारा शरीर पंचभूत पांच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अंग अनेक अंग हैं। जैसे अंग क्या कहलाते हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये सभी अंग कहलाते हैं। कोई अंग एक है तो कोई दो है, और कोई अंग ऐसे है जिसकी गिनती भी नहीं है। अब देखिए, कवि ने कहा, लेखक ने कहा है कि सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं। कोई तो हमेशा कार्य करता रहता है, कोई कुछ समय बाद कार्य करता है, कोई महीनों से कार्य नहीं करता, और कोई अंग ईश्वर ने ऐसा दिया है जो सिर्फ सजावट की ही वस्तु है। अब ऐसा कौन सा अंग है? देखो, नाक से सुनते, आंख से देखते, कान से सुनते, ये तो सब है, पर क्या है हमारे सिर में जो बाल होते हैं, ये सिर्फ एक सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए है। इनका कोई काम नहीं है, ये व्यर्थ का अंग है। जिसके चांद रहती है, जो गंजा रहता है, वह भी कार्य करता है, और जिसके सिर में बाल होते हैं वह भी कार्य करता है। तो ये क्या है? हमारे व्यर्थ के अंग है। अब लेखक ने कहा है कि मैं सभी अंगों के से सबसे अधिक दांतों को अधिक महत्व देता हूँ। अब जैसे क्या है, आंख, आंख से हम देखते हैं, दो तिहाई उम्र हम आंख से बहुत अच्छे देखते हैं। जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तो उसमें आंख में दिखता नहीं है। अब आंखों का क्या है, आंख को वो व्यर्थ समझते हैं। क्यों समझते हैं? कोई हमको आंखें दिखा के चला जाता है, कोई हमको आंखें फेर लेता है, कोई हमसे, कोई क्या है, दिखते ही नहीं है। तो ये क्या है, आंख के कार्य है। इसलिए लेखक का कहना है कि आंख को वो सर्वोपरि नहीं मानते, आंख को वो इतना महत्व नहीं देते, आंख सिर्फ देखने के काम आती है। छल भरे दुनिया के सारे छल भरे हम आंखों से देखते हैं। यदि आंख ना होती तो हम ये देख नहीं पाते, बहुत अच्छा रहता कि वो ये कुछ नहीं देख पाते। आंख है तो हमको देखना पड़ता है, भले ही कोई आंख गिरा देता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आंख बता देता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी अंगों से अधिक महत्व लेखक दांतों को देते हैं कि दांत है तो जहान है। अब देखिए इसका मतलब क्या, दांत, जिसके मुख में दांत होते हैं वो अच्छे से बोल पाता है। जब किसी के दांत टूट जाते हैं तो उसके मुंह से अच्छी बोली नहीं निकलती, वह साफ साफ नहीं बोल पाता। अब जैसे क्या है, हमको किसी से कोई वस्तु मांगनी है तो हम ऐसे जाके नहीं बोलेंगे कि हमको ये चाहिए और आप दे दो। उसके आगे हमको दांत खिसकाने पड़ते हैं, हम हंस के मांगते हैं, हंस के मांगते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं, मुस्कुरा के मांगते हैं तो वो जल्दी से हमको कोई वस्तु जिसको हम लेने गए हैं वो दे देते हैं। दांत हमारे बड़े काम की चीज, यदि हमको गुस्सा आती है तो हम किड़मिड़ाते हैं, हम दांत बताते हैं जिससे सामने वाला भी डर जाता है। अब देखिए, बंदर जब घुड़की मारता है तो अपने दांत दिखाता है। हाथी के दांत डबल सेट होता है, और डबल सेट का मतलब क्या है, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। जो उसके दिखाने वाले हैं वो अपन को दिखते हैं, वो खाने वाले उसके अंदर रहते हैं। इसी तरह कुत्ते के भी दांत होते हैं। यदि कुत्ते के दांत ना हो तो उससे कोई नहीं डरेगा, वह किसी को काट भी नहीं पाएगा, हम काटने के डर से उससे डरते हैं। अब देखिए सांप को ले लीजिए, सांप के यदि हम दांत तोड़ दें तो उसका संपर्क खत्म हो जाएगा, उसके दांतों में विष नहीं होगा, उसके पास सभी दांत नहीं होंगे, लेकिन दांतों में उसके विष रहता है, इसलिए हम उससे डरते हैं। तो दांतों का कितना महत्व होता है। अब देखिए शरीर, नाक हमारी एक है, आंख हमारी दो है, हाथ हमारे दो है, पैर हमारे दो है,
सर्वाधिक जिसको हम सर्वाधिक बोलते हैं क्या है, मुंबई में हमारी 32 ही यानी 32 नाम है जिनके भीतर क्या है जीव रहते हैं, जीव दांतों से बढ़ते हैं, डर के कारण वह बिल्कुल सही सही बोलती है, साफ साफ बोलती है, यदि वह दांतों के बंधन में ना हो तो जीव साफ साफ नहीं बोलेगी। अब देखिए और भी हम दांतों का महत्व बताते हैं, लेखक ने कहा है कुछ तो लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं, इसका अर्थ तो एक ही होता है, जब खाएंगे जल्दी तो जिएंगे और जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है, तो दांतों के बिना हमारा जीवन क्या है अधूरा है, क्योंकि दांतों के बिना हमारा डर भी चला जाता है, भले ही इंसान किसी को काटता नहीं है पर यहाँ बताया गया है सांप के दांत होते हैं और क्या है सांप के दांत उखाड़ दिए जाए तो उसका सरपत्र चला जाएगा, कुत्ते के यदि दांत अलग कर दिए जाए तो कुत्ता भौंकेगा तो उससे कोई डरेगा नहीं क्योंकि उसके तो दांत ही नहीं है, काटने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब बंदर बंदर भी उल्टी देता है तो दांत दिखाता है, यदि ठंड में जब हम दांत खिटखिटाते हैं तो हमको मालूम चलता है और ठंड में हम अपना गुस्सा कैसे दांत खिटखिटा के ही प्रकट करते हैं, हम जब अत्यधिक क्रोधित होते हैं तो हम अपने दांत किसमें साधते हैं, तो दांतों का बहुत महत्व है खाने में पीने में बोलने में हर चीज में, दांतों के बिना हमारा यदि दांत नहीं होते तो हमारा मुंह पिचकासा लगता है, दांतों के बिना सुंदरता चली जाती है, इसलिए लेखक ने कहा है कि दांत है तो जहान है, यदि दांत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दांत अब देखिए किसी के बड़े बड़े दांत भी होते हैं, दांत दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े बड़े होते हैं जो होठों के बाहर रहते हैं और एक अपनी परिसीमा में अंदर रहते हैं, तो लेखक बड़े दांत वाले को अधिक महत्व देता है क्योंकि जो बड़े दांत वाला रहता है वह यदि दुख में है या सुख में है दोनों अवस्थाओं में समान दिखता है, यदि वह दुखी है तो उसका दुख प्रकट नहीं होगा और वह खुश है जब भी उसका खुशी प्रकट नहीं होगी क्योंकि उसके दांत परिसीमा से बाहर है, और लंबे दांत वाले को लेखक बहुत महत्व देता है। अब यह बताया है लाभ हानि की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान भले ही मेरी आंख तोड़ दे, मेरे कान तोड़ दे, मेरा हाथ तोड़ दे, पर मेरे दांतों को सही सलामत रखना, मेरे दांतों को बनाए रखना। ये बात आपको अच्छा लगा होगा कि लेखक ने दांतों को सर्वाधिक महत्व दिया है।